नमस्कार किसान मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों के अड्डे पर। तो किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो में मिलिया दुबिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मिलिया दुबिया कौन से एटमॉस्फेयर में होता है और उसके लिए कौन सी ज़मीन ज़्यादा अनुकूल होती है, मिलिया दुबिया के लिए खेत की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं और मिलिया दुबिया के पौधे को किस सीज़न में ज़्यादा लगाने से ज़्यादा हमें उपज मिलती है, तो हम यह सारी बातें आपसे करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले किसान मित्रों, हम बात करेंगे कि मिलिया दुबिया यानी कि मलेशियन नीम को कौन सी वातावरण ज़्यादा अनुकूल आती है। तो देखा जाए तो मिलिया दुबिया को हर प्रकार के मौसम ज़्यादा अनुकूल आती है, पर मिलिया दुबिया की खेती भारत में दक्षिण के राज्यों में ज़्यादातर होती है। मिलिया दुबिया को 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान ज़्यादा अनुकूल होती है। इस पेड़ को प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए भारत के अच्छे बारिश वाले इलाकों में यह खेती हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे मिलिया दुबिया को कौन सी ज़मीन ज़्यादा अनुकूल होती है। वैसे देखा जाए तो मिलिया दुबिया को हर प्रकार की ज़मीन अनुकूल आती है, पर अच्छी भारी मिट्टी वाली गोराडू ज़मीन और अच्छी निंदण शक्ति वाली ज़मीन मिलिया दुबिया के लिए अनुकूल होती है। मिलिया दुबिया के खेत में ज़्यादा समय तक पानी भरा रहना नहीं चाहिए। अब बात करेंगे कि मिलिया दुबिया के लिए खेत की तैयारी हम कैसे करें और उसको लगाने का उचित सीजन कौन सी होती है। तो सबसे पहले गर्मी की मौसम में खेत में दो बार गहरी जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद खेत में गोबर की खाद डालकर एक या दो बार पाटे से अच्छी तरह खेत की जुताई करनी पड़ती है। इस तरह करने से हमारा खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाता है। तो किसान मित्रों, हमें पता है कि मिलिया दुबिया को इनिशियल स्टेज में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसे लगाने की अच्छी सीज़न मानसून है। अगर आप मिलिया दुबिया के पौधे को जुलाई के अंत से लेकर अगस्त के पूरे महीने तक लगाते हैं तो यह बहुत अच्छा टाइम है। ऐसा करने से हमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और बरसात के पानी से मिलिया दुबिया का विकास सिंचित पानी से भी ज़्यादा अच्छा होता है।